Before arriving in Assam, Prime Minister Narendra Modi addressed a massive rally in Jalpaiguri in West Bengal, where he launched a scathing attack on the Mamata Banerjee-led state government. Addressing the gathering, Modi said, North Bengal is known for three T's, tea, timber and tourism. However, the state government has allegedly neglected all three. Modi added that the law and order situation in Bengal has worsened over the years. And the Prime Minister also laid the foundation stone for the full landing of Falakata Salsalabari section of National Highway 31 D, besides inaugurating the new High Court circuit bench in Jalpaiguri. अब से थोड़ी देर पहले करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फलाकाता सलसलाबाड़ी नेशनल हाईवे की फोर लेनिंग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इससे सिलीगुड़ी आने जाने के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि जलपाईगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों की रेलवे और हवाई सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो पाएगी। साथियों, आपका जीवन आसान बनाने के लिए इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। आप सभी साक्षी हैं कि सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। ये उद्योग धंधे विकसित नहीं किए गए, यहां का युवा पलायन के लिए मजबूर है, सिंचाई की परियोजनाएं लटकी हुई है और ऐसा हाल बनाने के बाद भी उनको कोई परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने माटी को बदनाम कर दिया है और मानुष